सिंगार तेरा नबियों बन श्याम मले अद्भुत सिंगार तेरा नबियों बन श्याम मले Bye-bye.
साथ मेरो तो मेरो बंधु जा साथ मेरो मेरे निर्यात ग्रंथ मेरो तो मेरो सर्वम देव देवा तो रघुवासी है आरती पापियों को पुष्पांजलि ओम जगदीन जगनामय जंत देवास्तारे धर्माणि प्रथमान्यासन्नतिहरा महिमान सचंत जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देव हरि ओम एकदंताय विद्महे पक्कदंताय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम करंबिकाय च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम हंसंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सिद्ध प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचं पटपाटलर्जि पुण्याकजातकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाण दुर्धेरनुमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वरमेवतीर नानासुगन्ध पुष्पाणि दानालोपवादिज पुष्पाञ्जलि व्यादत्त घनात्तं परमेश्वर सादरवोदिगन्ध पुष्पाञ्जलिं पुष्पं समर्पयामि नमः वृंदावन की राजधानी सरकार की शंकर भगवान की बिहारी वाली भैया की रांची महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की उत्सवी भगवान की गौरेट सरकार की चित्तवा महाराज की आज के आनंद की इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमस्तुभ्यो नमः गजाननम् उद्गणादिसेवितम् पितृजम्मो फलचारुवक्षणम् उमांसुतम् ये बलसी बलिया नंदन में रो
परमात्मा श्री कृष्ण का मुरली मनोहर के चरणारविंद में नमन करते हुए कथा शुभारंभ करते हैं। जगत जननी माँ भवानी बहरारी वाली माँ के चरणों में नमन करते हुए कथा शुभारंभ करते हैं। आलोपी शंकर भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए कथा शुभारंभ करते हैं। बरखंडी सरकार धोरे सरकार के चरणों में नमन करते हुए कथा शुभारंभ। ब्रह्मणि परमात्मनि नम्यत्रं सूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे प्रभु आपको नमस्कार है। दो वीर द्वारिकेश तीन वीर तापहारी चार वीर बंदो पुन चक्र के धरैया को पांच वीर बंदो पांच पांडव कुमारी को और छह वीर बंदो पुन छेलयो छवैया को सात वीर बंदो सात दल की नथैया को आठ वीर बंदो आठ पटरानी बरैया को सुनो वीर बंदो नवनीत की चुरैया को ओ बार बार बंदो बाबा नंद के कन्हैया को। बोल भक्त शल भगवान की जय हो। कहने लगे हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की। बोले ये मेरे सेवक ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है प्रभु। आपके बाबा को पकड़ के ले आया। एक तो अपराध किया ये तो खैर अच्छा नहीं किया पर एक बहुत अच्छा किया। यदि जी आपके बाबा नहीं लाते तो तुम काय को आते थे। ये सबसे बड़ी बात हो गई। ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह से कि हम बैकुंठ धाम बैकुंठ हमें जहाँ प्रभु आ गए वहां बैकुंठ ही प्राप्त हो गया। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है और बारंबार वर्ण के भगवान की स्तुति करने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नाम भगवान नंद बाबा को लेके महल में आ गया। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी भगवान ने रास कैसे किया महाराज।
कहो शरद की पूर्णमासी को, राजकीय शरद की पूर्णमासी को उन्होंने विचार किया। आज मेरे महाराज का विचार है, सुबंसी बजाई और ऐसी बंसी बजाई कि बंसी की स्वर को सुन के सभी गोपियां दौड़ी देके चली आई। कैसे आई? उल्टे श्रृंगार कर लिए, सुध बुध भूल गई, तन की सुध नहीं ली। जिस बंसी ने तीनों लोगों को मोहित कर दिया, भाव में विभोर होकर के, कोई ग्वाल नहीं तो एक आंख में काजल लगो, एक में लगोई ना में, कानों में बिछुआ, पैरों में बिछुआ पहनने थी तो कानन से लटका ले, कानों के कर्णफूल पैरों में लटका ले, उल्टे श्रृंगार कर लिए। कोई कोई गोपी तो आटा गूंद रही थी, हाथ आटे का बिगड़ा है, चली आई। भगवान ने देखा, अरे गोपियों ये क्या, कहां से आ रही हो, जाओ चली जाओ अपने घर जाओ। गोपी बोली, पहले तो बुलाया पार्वती जी मना बिहारी, पार्वती जी मना बिहारी, ना माने तो पुरारी, वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। राधा संग श्याम नाच, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाच, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रचो है ब्रज में भारी, रचो है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं। बिना भोले भंडारी, बनके ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
दीवाना कोई पुरुष न जाएगा रास में रास पंचाध्यायी पांच अध्याय है, ये भागवत की प्राण है पांचों अध्याय। अब एक गोपी की साथ में एक कृष्ण, जितनी गोपी उतने ही कृष्ण। अब तो गोपियों को हो गया घमंड, क्यों हुआ
हरी के कन्हैया हम नचांगी कैसे नचेगो, हमारी उंगली नहीं पे नच रहे हो। भगवान बोले डट जा, तुम्हारी अहंकार को दूर करता। भगवान थोड़ी देर में ही सबके बीच से अदृश्य गायब। राधा ने देखा कि ललिता के साथ होंगे, ललिता के साथ में उन्हें विशाखा के साथ होंगे, विशाखा के साथ में भी नहीं, कृष्ण बिल्कुल ही गायब हो गए। अब ढूंढने लगे, बंसी भट्ट पे गई, यमुना के किनारे गई, काली देव पे गई, सब जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। जब कहीं नहीं मिली तो रुदन करने लगी, बड़ी जोर से रोने लगी, सभी खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के हाथ ऊपर कर लिए। श्याम सुंदर काय को तू हमें रुलाया, काय को मिलाया फिर क्यों रुलाया, पहले तू प्रेम करते हो फिर धोखा भी देते हो, तुम बड़े धोखेबाज हो। तुम बड़े धोखेबाज हो, हर किसी को धोखा देते हो। जिसने तुमसे प्रेम किया उसका घर पलाया उजाड़ा है। मीरा ने प्रेम किया दर दर भटका दिया। नरसी ने प्रेम किया क्या किया नरसी पे। जिसने तुमसे प्रीति की है उसको कष्ट दिया है, उसको सुख किसी को तुमने नहीं दिया। सभी गोपियां उच्च स्वर में ऊपर को हाथ कर लिए और रोने लगी। क्या कहती है, जय तिथि दिगम जन्म नाम ब्रज श्रीयत इंदिरा सस्वदत्र दयति दृश्यता स्वयं स्वयं विचिंबते। रो रही है क्या करेंगे, जयत ते दिकम धिक्कार है तुम्हारे या ब्रज के लिए जहां तुमने अवतार लिया है। परम हमें रुलाया, हमारी ये दशा की, ये तुमने अच्छा नहीं किया। उच्च स्वर से रोती है राधा ने कहा, क्यों रोती हो, वो तो छलिया है, वो तो निर्मोही है, उसके अंदर प्रेम तो है ही नहीं, दया तो है ही नहीं। तो क्या कहती है, रोकर के सभी गोपी ढूंढने लगी कि मुरली बजाते हुए कहो ने मेरे श्याम देखे, मुरली बजाते हुए
अपने घट पर गीत राधा तेरे श्याम मन घट पर हो जाते है। मेरे कन्हैया को देखा, एक को बोली वहां देखे पनघट में गगरी उछा रहे थे, तो यहां क्यों नहीं आते? जब जोर से रोने लगी तब विचार किया कि अब मुझे जाना पड़ेगा। हर श्री भगवान सभी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। मोती बोली कहां चले गए थे? पूरे समुद्र में एक दैत्य रहता था, बस उसे मार के वो क्षीर सागर में जा सोए सो गया। जब तुम्हारी दुख की करुण पुकार कानों में आई तो डोला चला। तभी तो तुलसी बाबा ने बताया है भगवान के बारे में कि दीन दयाल दीन दयाल, दीनों पे दया करने वाले, कष्टों को हरण करने वाले प्रभु हैं। गोपियां बोली अच्छा चलो आ तो गए। ये महाराज हुआ, गोपी गीत हुआ। महाराज परीक्षित ने कहा सुखदेव जी मामा कंस ने भेजा केसी नाम का दैत्य, वो घोड़ा बन के आ गया, घोड़ा बन के आया ब्रजमंडल में और पैरों की चापों से हिन हिनाने लगा, पृथ्वी को खोदने लगा। मारने भेजा कन्हैया को घोड़ा, घोड़ा किसी ने हमका देख तो घोड़ा बन के आया। भगवान को समझ गए कि ये मामा ने भेजा है, इसका भी स्वागत मुझे ही करना है। देर नहीं लगाई कन्हैया ने किसी नाम के दैत्य के पैर पकड़े और धड़ाम पृथ्वी पे दे दिया, खत्म कर दिया, प्राणांत कर दिया। अब नारद जी ने सोची ऐसे फुटकर काम नहीं चलेगा। नारद जी ने उठाई वीणा और चल दिए कहां के लिए? कंस के दरबार की ओर। श्रीमन नारायण नारायण पहुंच गए जहां पर कंस दरबार में बैठा हुआ था सिंहासन पर। जो नारद जी पहुंचे, कंस ने नारद जी का स्वागत किया। आइए देखिए कैसे पधारे।
महाराज जी ने कही देखो कंसराज तुमने एक एक करके किसी को भेजे वो बच के आयो जिंदो आयो आयो। देखो नारद जी की चाल जहां चल जाए तो समझो फिर गड़बड़ी गड़बड़ नारम ददाती श नारद जो ज्ञान दे वो नारद और ना रद्द जिसकी बात और रद्द न हो वो नारद। तो पहले तो अकेले एक ही नारद है और नारद की गामन में कमी ना ले हाले झगड़ों करा दे हाले ही तकी मित लगा दे। अब नारद बहुत रह गए आज के समय में हुआ मैया बोली नहीं मैं नहीं जानी चाहती उस मामा ने तुम्हें मारने बड़े बड़े दैत्य भेजे और वहां बोला कि तो तुम्हें मार देगा खत्म कर देगा। कन्हैया ने कही मैया घबरा बोलो कृष्ण भगवान की जय। वहां बोला कि तुम्हें खत्म कर देगा कन्हैया ने कही मैया घबरा मैया मैंने तेरो दूध पियो है। कहती झगड़ा हो तो पहले क्या कहती तेरी माँ को दूध पिए हो तो आजा सामने अब तो जन्म भयो और पोटरा मौत ही लगती अब माँ का दूध पीते ही नहीं। जिस वक्त भगवान राम लक्ष्मण जानकी पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या आ रहे थे उस वक्त हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरी माँ अंजना रहती है वहां होके चले गए अंजना के यहाँ क्यों अंजना के मिलते चलेंगे नमन करते चलेंगे। विमान पहुंच गया राम जी ने माँ अंजना को प्रणाम किया आशीर्वाद दे दिया। लक्ष्मण ने माँ अंजना को प्रणाम किया आशीर्वाद दे दिया। जानकी ने किया आशीर्वाद दे दिया तो हनुमान ने प्रणाम किया मैया ने पीठ फेर ली। हनुमान जी ने कही मैया मुझसे क्या बड़ी गलती हो गई कि मुझसे पीठ फेर ली। हनुमान तेरा तो मुंह देखने का धर्म नहीं है ये कितनी बड़ी बात कहती है। हनुमान तेरा तो मुख देखने का धर्म नहीं है क्यों तेरे होते हुए भगवान राम ने रावण से युद्ध किया कहने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। लक्ष्मण को शंका हुई कि माँ का ऐसा दूध। अंजना ने कहा क्या लक्ष्मण सोच रहा है दिखा दूं। अंजना ने दूध की धार पर्वत में दे दी पर्वत फट गए। अंजना की दूध की धार से पर्वत फट गए। तभी तो हनुमान जैसा बलंकारी दुनिया में कोई नहीं। एक बार डीग मार रहे थे सब रावण कहलाता कि चलत दशानन डोलत अवनी मैं चलता हूं तो पृथ्वी कंपायमान हो जाती है। लक्ष्मण जी बोले कि मैं जब बोलता हूँ तो दसों दिग्पाल घबरा जाते हैं। राम जी बोले कि मैं जब सांप को फेर देता हूँ तो सब दिशाएं कंपायमान हो जाती हैं। हनुमान जी चुप बैठे कि फिर तुम डीग मार लियो सब। राम कहे मैं वीर लक्ष्मण कहे कि मैं वीर रावण कहे कि मैं वीर हनुमान जी बोले तुम सब वीरों पर मैं महावीर हूं मैं हूं महावीर। तभी तो महावीर बिरमौ हनुमाना राम जास जस आप। चलो वही कथा की ओर। रथ सज के तैयार गोपियां रथ के आगे आ गई। गोपियां बोली हम रथ को नहीं जाने देंगी मथुरा नहीं जाने देंगी। क्या कहती है गोपी पग पोजो तेरे गिरधारी मथुरा मत जई यो बनवारी पग पोजो तेरे गिरधारी मथुरा मत जई यो बनवारी मथुरा मत जई यो बनवारी मथुरा मथुरा
पग पूजू तेरी गिरधारी मेरे मेरे आए हैं श्याम सुंदर कि मेरी आई है अंगना में श्याम सुंदर बड़ी कृपा आसन विराजो शरण धोए चिनामृत लिया बहुत बड़ी कैसी पधारी मामा हमें माला पहना दो सुधमा माली बोलू बाई के लिए तुम इंतजार भी बैठो सुधमा माली ने भी माला बनाई कृष्ण बलदाव को पहनाई और ग्वालों को पहना भी अब गले में माला भी हो गई फिर ग्वाल बोले कन्हैया एक कमी और रह गई कमी तो जिंदगी में कभी होगी पूरी ना होगी पर एक कमी और पूरी है कहा कि थापक थौआ चंदन और लग जाए वृंदावन में कैसो चंदन लगे तुम्हें थापक थौआ पूरे माथे पोतले थे टिपकी नहीं लगाएंगे थापक थौआ को चंदन और ले जावे तब तो बड़ी सुंदरता है भगवान बोले चिंता मत करो बाकाम वो करे आगे देखा कुब्जा जा रही थी टेढ़ी थी लट्ठी के सारे जारी चंदन को पटोरा हाथ में कन्हैया ने कही ओ सुंदरी मुड़ के पीछे देखी टेढ़ी मेढ़ी हूं ताते सुंदरी कह रहे सुंदरी होती तो सुंदरी नहीं कहती वो ये वास्तव में सुंदरी थी ये कौन थी त्रेता युग की सुपरखा थी जब भगवान राम ने और लक्ष्मण हरे भुवन घन घोर
चारू मुस्टक खड़े ही रह गए। कल से गई, अरे क्या देख रहे हो, पकड़ लो दोनों को। इन्होंने मेरा धनुष तोड़ दिया। चारूर से भगवान कृष्ण और मुष्टिक से बलिदान, बड़े बड़े पहलवान चल रहे थे मुगलों से, घमासान युद्ध होने वाले। मथुरा वासी क्या कहते हैं, ये तो भैया अधर्म का युद्ध है। क्यों, कहां तो बड़े बड़े पहलवान और कहां छोटे छोटे से बालक। इस युद्ध को बंद कर दो, रुको रुको, अधर्म का युद्ध है, धर्म का नहीं। युद्ध होता है बराबरी वाले से। तभी तो मंदोदरी ने रावण से कहा था कि नाथ बैर कीजिए दाही सो भुजबल सकिय जीत जाही सो। ये दूसरे के युद्ध से भुजाओं की बल से जीत लो, ये तो अधर्म का युद्ध है, बंद कर दो। भगवान ने इशारा किया पुरवासियों को, बड़ा मत, अभी देखते देखते मैं इनका बंद कर दूंगा। क्यों, जब पंचवटी पर राम जी मामा मारीच के पीछे गए और जब मामा मारीच ने हाँ राम हाँ लक्ष्मण कहा, आवाज आई जानकी के कानों में, जानकी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारे भाई पर संकट। लक्ष्मण ने क्या कहा, कि भ्रकुटि बिलास सृष्टि लय हो प्रभु की भ्रकुटि टेढ़ी हो जाए, प्रलय हो जाए, ये चारूर क्या पुकार सकता उनका। पर भगवान तो लीलाधारी लीला दिखा रहे। जब प्रवासियों ने कहा प्रभु इसे मारो, धर्म जी ने चारूर का वध कर दिया, चारूर खत्म। बलदाव ने देखा, ओहो कन्हैया ने चारूर को मार दिया, मैं मुष्टिक को मार दूं। बलदाव ने मुष्टिक को खत्म कर दिया और रह गो अकेलो मामा सिंहासन पे। भगवान ने कही अब चिंता मत करे मामा, अब हमारे थे दोनों हाथ होंगे मामा भांजे के। कन्हैया ने आव देखा न ताव देखा, जब सीधे सिंहासन पे चढ़ के मामा सी चोटी पकड़ ली, चोटी पकड़ी धड़ाम नीचे गिरा दिया। क्रोध आ गया कन्हैया को, क्यों आया, क्योंकि इस दुष्ट ने देवकी की केस पकड़ी, ऐसी ही केस मामा के पकड़ पकड़। चिल्लाने लगा, अरे छोड़ दो छोड़ दो, दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कही मामा, जब मेरी माँ देवकी के केस पकड़ी तो क्या उन्हें दर्द नहीं हुआ, अब आज तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। नीचे गिराया छाती पर बैठ गए और जितने भी पिस्तों का पूरा वजन था अपने शरीर में ले लिया, छाती पर बैठ के कंस का पद बोल वक्रेश्वर भगवान। अब तो आकाश से फूलों की वर्षा, नगाड़ी बजाने लगे देवता, फूलों की वर्षा करने लगे। कैसी कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
कशल भगवान की जय हो। सभी देव भगवान की स्तुति करने लगे। मामा मार के कहां गई भगवान? सीधे जेल में पहुंचे कृष्ण और बंधव। जो पहरेदार लगे हुए थे, डबल ताले जेल में लगे हुए थे, पहरेदारों ने अपने आप ताले खोल दिए। क्यों? तीर जान शंका सब का हो, बक्र चंद्रमा कृष्ण रहो। तेरी एक एक करके छह भाई पापी कंस ने मार 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 और तेरा भी मैं सुख नहीं देख पाई। तुझे जन्म होती गोकुल में, तेरे पिता तुझे गोकुल में यशोदा के यहाँ छोड़ आए, और तेरे मामा ने तुझे मारने के लिए किसने दुष्ट भेजे? पूतना भेजे, चढ़ावत भेजा, बकासुर भेजा, अगासुर भेजा। कितनी तुझे पर कष्ट आए। कन्हैया बोले, मैया अम्मत बड़ा बड़ा, और वो समय अब दूर हो गया। दुख के बाद सुख आता है, और सुख है तो दुख भी आएगा। कौन काऊ सुख दुख कर दाता, और निजकृत कर्म भोग सब दाता। मां अब वो संकट दूर हो गया, अपने माता पिता को कैद से मुक्त हो गया। भगवान गए कहां? अक्लूर जी के यहां। कहा था, वचन दिया था, मामा मार के आ गया, वहां भी गए। फिर पहुंच गए कहां? कुबजा के। तो सबसे ज्यादा कन्हैया कहां रहे हैं? कुबजा के। अब इधर में देखिए ब्रज में क्या होता है। जब ज्यादा समय बीत गया तो गोपी कहने लगी, कह के न्यो गऊ के परसों आ जाओ। परसों बीत गए, अभी तक वापस नहीं। एक गोपी बोली, काय को तू ऐसी बातें कर रही है? वो है कारो, कार्य के प्रेम को नहीं करे। जे कारे काहू के नाही छड़ में होत पराए, कारी कोयल कारे कौआ, और कारे कृष्ण। वो कारो मनियारो के सवन में, ये कार्य के प्रेम को नहीं करे, ये धोखेबाज होते हैं। यहाँ कार्य हो तो बुरा मत मानना भैया। इसमें बताया है, गोपियां कह रही है। जब गोपियां कह रही थी तो एक गोपी बोली, देखो मैं विरह में दुखी हूँ। राधा तू नेक कृष्ण नहीं बन जाए, तू नेक कृष्ण बन जाएगी तो हमें सुख मिले। अब गोपी राधा से कह रही है। तब गोपी राधा से कहने लगी कि तुम नेक कृष्ण बन जाओ। राधा ने क्या जवाब दिया? कि मोर पखा सिरियू पर राखियूं, कुंज की मां लगले पहरों ले लकुटी और यो ही पीतांबर गोधन ग्वा लन संगीत सुपी। Oh,
वो तो कृष्ण के साथ में है। अब यदि तुम कठोर वचन रूपी पत्थरों का प्रयोग कर दिया तो यह मन रूपी दर्पण के टुकड़े हो जाएंगे, फिर हमारी क्या दशा होगी? विनती है कि शिवा कृष्ण की दूसरी चर्चा हमसे मत करना। ऐसे ही वह पत्र जो हाथ में था, पत्र के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए गोपियों ने। क्यों, क्या बोली गोपी? हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहने सबे लगी लगी। सब गोपी बोली जामे कछु हमन ने हमन को लिख दो है कहा। वहां भी परास्त, फिर ये कहां पहुंचा होता? सहस्त्रों गोपियों के बीच में श्री राधिका रानी सभी के मुख से रे कर निकलती थी यही वाणी। हे प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। राधा के यहाँ, राधा हजारों गोपियों के बीच में, उद्धव ने क्या कहा? राधा, ओ राधा, राधा पास में आई, श्याम सुंदर आ गया। क्योंकि उद्धव का बीज, उद्धव की वेशभूषा कृष्ण जैसी थी। कुछ क्षण मात्र के लिए राधा भी समझ गई कि कन्हैया आ गए। भगवत कृपा, ये श्रीमद भागवत का आयोजन हो रहा है। इस समय सब व्यक्ति तो कचून तो पतो ही है। पहले हमें इनमें फरसाबाजी भैया फूट डट गए, लक्ष्मण और मेघनाथ का संवाद हुआ है, परशुराम और लक्ष्मण का, आज समधि समधि बन गई। हमने लक्ष्मण का काम किया, इन्होंने परशुराम का किया, और समय की बलियारी। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, बोल कृष्ण भगवान की जय हो। जब उद्धव खड़े हैं राधा के आगे तो क्या कहा राधा ने? उद्धव अब मेरी बात सुनो।
रिश्ता तोड़ जाए तो तुझसे क्या कहना। वो कह रही अब उद्धव कैसा हो गया, उधो सुधो ज्ञान बजायो ढोल गयो तो गुरु बन भी को क्या गुरु बने को चेला बने के पर चेला बन गयो गुरु बने ली गोपी चलते भक्तों राधा ने हाथ में बंसी दी यानी माखन मिश्री गयो उद्धव ऋषि कन्हैया को दे देना। अब देखिए एक हाथ में भंसी और एक में माखन चली तो कैसे चली चली मथुरा जैसी चली तो प्रेम मधु छाके ये ब्रज भाषा के शब्द प्रेम मधु छाके पग पर तू कहां के कहां थाकी अंगने नन शिथिलता सुभाई है एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो एक पर बंसिका सुराधिका पठाई है धार धरा पेन उदार यति आदर्शो उसार बहुल निजो आंसू अधिक काही है आंसू आते हैं प्रेम में पागल है बाहों से पहुंच लेती दोनों हाथ गिरी हुई पहुंच गई मथुरा भगवान बैठे थे क्या किया उद्धव ने बंसी बढ़ा दी माखन बढ़ा दिया मुंह से एक शब्द तो नहीं निकला भगवान को समझ के बन इस चुटिया कट चेला बन के आऊंगा भगवान का उद्धव क्या हुआ उद्धव बोलते बोलते क्या बोला क्या? क्या? क्या मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी निर्मोही निकलोगे गोपियां रो रही है राधा रो रही है माँ रो रही है नंद बाबा रो रही है Yeah.
भक्त चल भगवान की बोल वृंदावन धाम महाराज परीक्षित ने कहा सुखदेव जी अब हमें ये बताइए रुक्मणी का पाणिक है संस्कार भगवान के साथ में कैसे है। सुखदेव जी कहने लगे राजन राजा भीष्म को नामे विदर महाधिपति महान तस्य पंचा भवन पुत्र कन्याच बरान रुकमकजो रुकम रथो रुकम बाहु रुकम केशो रुकम मानी रुकम निशाम स्वयांशति। भीष्मक राजा के पांच पुत्र थे, एक कन्या थी रुक्मणी। उन्होंने सोपश्रुत्यम मुकंदस्य रूप बने गुणस्य रुक्मणी ने सुना क्या भगवान की सुंदरता की प्रशंसा। उसी दिन संकल्प कर लिया मैं विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ में ही करूंगी। संकल्प और इधर में रुक्मणी का भाई रुक्मी Come on.
इस पत्र को देख करके नहीं आई तो ये रुक्मिणी जीवित नहीं रहे। मैं कटारी खा के प्राणों की आहुति दे दूंगी। पत्रवाहक ब्राह्मण पत्र लेके गए और पहुंचे द्वारिका में। भगवान ने उसके पत्रवाहक ब्राह्मण का स्वागत किया। आइए भगवान खड़े हो गए और ब्राह्मण को आसन दिया, हाथ जोड़े कि ब्राह्मण देवता बड़ी कड़ी कैसे आयो। ब्राह्मण देवता ने पत्र दे दिया कि प्रभु ये रुक्मिणी ने आपके लिए पत्र भेजा है। रुक्मिणी ने पत्र भेजा है। जो पत्र देखा द्वारकाधीश ने प्रदीप से कहा, ब्राह्मण देवता कह जाना रुक्मिणी से मैं आऊंगा, रथ लेके आऊंगा और वो अंबिका जी की पूजा करवे आवे। मंदिर में ते परिक्रमा में ते रथ में बैठा लाऊंगो, चिंता मत करे। रुक्मिणी से कह देना। शिशुपाल जब दूल्हा बन के चलो तो भाभी ने काजल लगायो। देखिये सबसे बड़ी विशेषता, दूल्हा को ब्याह होता तो काजल कौन लगाते, भाभी लगाती है। शिशुपाल की भाभी ने शिशुपाल के काजल लगे हो तो कही के देवर लाला मुझे ऐसा लग रहे कि तुम बहू लेके नहीं लौटोगे, कारो मुंह करके लौटोगे। शिशुपाल ने कही कि बहू लेके नहीं लौटो, नहीं तो मुंह नहीं दिखाऊंगा। वही होगा, शिशुपाल मेरे पे बरात लेके आ गया। पत्रवाहक ब्राह्मण को सूचना दे दी द्वारकाधीश ने, जाओ कह दो आऊंगा, रथ लेके आऊंगा। अंबिका जी के मंदिर में से रथ में बैठा पहुंच गई। रुक्मिणी क्या कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी। आहो मेरी सखी मेरी मेहंदी लगा, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
जब होने लगा ब्राह्मण देवता आ गए, असमुख चेहरा जब दिखाई दिया उस वक्त पता चल गया कि शुभ समाचार। ब्राह्मण देवता ने कह दिया, रुक्मिणी श्रृंगार कर लो, द्वारकाधीश रथ लेके आ रहे हैं, तुम गिरिजा पूजन करने चल जाओ। इधर श्रृंगार हुआ रुक्मिणी का और रुक्मिणी ने कहा, पिताजी विवाह से पहले ऐसा होता है, राजघरानों की कन्याएं अंबिका पूजन करने मंदिर में जाती हैं। शिशुपाल रुक्मिणी को पता चल गया। रुक्मिणी ने कही कि सैनिक लगा दो, कहीं वो ग्वाल गमार द्वारकाधीश आ गया तो मेरी बहन को ले जाएगा। शिंगन पहरे लगा दिए महल से लेके अंबिका जी के मंदिर, पहरे लगे हुए और रुक्मिणी हाथ में सोने की थाली, सोने का लोटा और चली। तो कैसे चली कि धीरे चलो सुकुमार सुकुमार रुक्मिणी प्यारी अंबिका जी के मंदिर में।